एक अनुमान के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में 1100 से भी ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां से पूरी आबादी ही पलायन कर चुकी है। इन गांवों में खेत बंजर में तब्दील हो चुके हैं। घर के बाहर लगे तालों में जंग लग चुका है और कई जगह तो ये सूने पड़े मकान खंडहरों में बदलना शुरू भी हो चुके हैं। जाहिर है अगर रहने वाले ही नहीं होंगे तो इन गांवों से जिंदगी ही लुप्त हो जाएगी। अंग्रेजी में ऐसी जगहों को कहेंगे घोस्ट विलेज, यानी कि भूतों का गांव। पलायन की पीड़ा झेलते ये गांव तो हैं ही, साथ ही इन खूबसूरत वादियों में कई ऐसे गांव भी हैं जहां से पलायन की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसा ही एक गांव है लोहाकोट। यहां की करीब 30% आबादी पलायन कर चुकी है। लोहाकोट के ग्राम प्रमुख हैं शंकर सिंह सामंत। वो मानते हैं कि सरकार इस पलायन को रोकने की कोशिशें तो कर रही है, पर यहां रहने वालों की दिक्कतें भी तो पहाड़ जितनी ऊंची और बड़ी हैं। 20 से 30% या 35% आदमी यहाँ से माइग्रेशन हो चुका है। अच्छा। उसके लिए मेन कारण है कि सबसे पहले शिक्षा, जो नया पद्धति जो शिक्षा चली है वो शिक्षा आजकल पुराने जो हिसाब से बदली हुई है, तो हर कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है, तो इस संबंध में पलायन का एक सबसे मुख्य कारण ऐसा ये है। दूसरा कारण है मेडिकल का, क्योंकि कोई छोटी सी बीमारी के लिए भी हमको यहाँ से 25 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो भी कोई भी, और वहाँ जाके भी हम लोगों को ऐसी सुविधा नहीं है, जो कि यहाँ से भी कोई छोटा मोटा केस होगा उसको फिर हल्द्वानी भेजा पड़ता है। हल्द्वानी यहाँ पिथौर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है उसमें भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो आदमी वहाँ उसका कोई ट्रीटमेंट हो सके, और कोई ऐसी बीमारियां जो है कि वहाँ स्पेशलिस्ट जो भी हर एक विभाग के होते हैं वो भी वहाँ अवेलेबल नहीं है। मतलब कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन के ज़माने में यहाँ कोई सुविधा है नहीं, ना कोई कोचिंग क्लासें यहाँ हो पाती हैं, और ना कोई ऐसी शिक्षा का कोई वो होता है, जो पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं वो आगे सटेल हो जाते हैं और यहाँ आना नहीं चाहता है। कोई डॉक्टर भी बहुत के डॉक्टर यहाँ जो हैं वो कोई लखनऊ बैठ जाता है, कोई हल्द्वानी बैठ जाता है, कोई देहरादून बैठ जाता है, मगर यहाँ रहना नहीं चाहता, क्योंकि सुविधा भी केवल यहाँ हवा और पानी का ही थोड़ा एक सुविधा है, और ये भी तो दिन पर दिन बदलता जा रहा है। पानी की समस्या भी रोज़ हो रही है, क्योंकि पानी की समस्या जो हम देख रहे हैं, पहले हमारे यहाँ पंचक्कियाँ चलती थी वो, तो हम बारह महीने पानी का अपना चक्की का आटा खाते थे, अभी क्या है कि पानी की इतनी कमी हो गई कि कल मतलब आज से कर 10-20 साल के अंदर हम लोगों का घोर पानी का समस्या होने वाली, क्योंकि स्रोत ही सूखने लगे हैं, क्योंकि पहले तो जंगल हुआ करते, जंगलों का धुआं, अभी जंगल का धुआं तो अभी कुछ साल से बंद है, क्योंकि सरकार ने गैस का बंदोबस्त कर रखा है, तो इसलिए थोड़ा वो है, मगर पानी की समस्या होने वाली है, जो कि 20 साल के अंदर हम लोगों को एकदम एक लड़ाई हमने पानी की लड़नी पड़ेगी। उत्तराखंड के लगभग हर जिले की यही कहानी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यही इसकी तय नियति है। सरकार कई स्तरों पर कदम उठा रही है इस पलायन को काबू में करने के लिए। जैसा कि अल्मोड़ा के पास ही इस मनमोहक बेरीनाग में पलायन से निपटने की काफी तैयारियां प्रशासन ने कर रखी हैं। यहीं के सबसे वरिष्ठ अधिकारी विवेक प्रसाद बताते हैं,
शासन ने काफी प्रयास किया है कि इसमें जो है पलायन रुके लोगों का, और इस संबंध में गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है। लोग गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रमोट करने के लिए तमाम ये स्कीम चला रही है। मैं चमोली में इसके पहले रहा हूँ, 3.5 साल मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में काम किया, वहाँ SDM रहा हूँ और यहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स आती है जैसे गाँव में रुके लोग वहाँ पौधे दिए गए लोगों को लगाए, पोल्ट पर लगाए अपना, और काफ़ी उन्हें खेती के लिए प्रमोट किया गवर्नमेंट ने, और इस टाइप की स्कीम चल रही है। इसलिए जो यहाँ पे जो रेयर प्लांट्स होते हैं, मेरा कहना यह है मेडिसिनल प्लांट्स हैं, रेयर प्लांट्स हैं, उनको लगाया जाए जिसमें कमर्शियल सी वैल्यू जैसे प्लांट्स की हो, उसमें वो बेनिफिट मिलेगा तो वो रुक पाएंगे। यहाँ पर यहाँ पर इंटरनेट है, सब अच्छी स्पीड यहाँ पे है और सब सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए मटेरियलिस्टिक आउटलुक हो गया है आदमी का, तो मटेरियलिस्टिक आउटलुक है तो जाहिर है कि पैसा तरफ भगेंगे लोग उनका, अपने अपने गाँव से समाज से दूरी बढ़ा रहे हैं तो गलती उनकी है। उनको यही समझना चाहिए कि उनका गाँव उनका है, शहर उनका है, राज्य उनका है, तो अपने राज्य के योगदान करें, यहाँ पढ़ाई किया, पैदा हुए यहाँ पढ़ाई किया लोग, इसके लिए काम करें लोग, तो इसमें एक भावनात्मक अटैचमेंट जरूरी है उनके लिए है। अगर नहीं रहेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और मेरा ये गवर्नमेंट कई प्रयास कर रही है कि डॉक्टर्स यहाँ रुकें, टीचर रुकें यहाँ पर, उनकी काफ़ी इंसेंटिव दे रही है उन लोगों को। अच्छा, और काफ़ी अच्छी इंसेंटिव दे रही है डॉक्टर्स को भी, टीचर्स को भी, कि रुकें यहाँ पर, और कुछ सफलता मिल रही है इस पर, और प्रयास की आवश्यकता है, सफलता जरूर मिलेगी सरकार को इसमें। उत्तराखंड से पलायन का सिलसिला यहाँ के पर्यावरण से भी जुड़ा है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है यहाँ के सूखते जा रहे जल स्रोत। कम पानी का खमियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कम उपज का मतलब परिवार के पालन पोषण के लिए कम पैसा, शायद बेहतर भविष्य के लिए इन्हें पलायन में उम्मीद की किरण दिखती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व इतिहास प्रमुख और पूरे उत्तराखंड की जानी मानी शख्सियत हैं डॉक्टर शेखर पाठक। पलायन सिर्फ बुरे के लिए होता है ये कहना ठीक नहीं होगा, ऐसा मानना है डॉक्टर पाठक का। अगर शुरू से शुरू किया जाए तो दरअसल जो माइग्रेशन है या आउट माइग्रेशन है वह एक तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री के प्रारंभ से ही वह शुरू हो गए थे। एक ज़माने में एथनिक माइग्रेशन होते थे, एक डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी से एक अपेक्षाकृत सरल ज्योग्राफी की तरफ, कंफर्टेबल ज्योग्राफी की तरफ लोग माइग्रेट करते थे। बड़ा स्वाभाविक था, ये पुराने ज़माने की थी, लेकिन अभी वो हमारा विषय नहीं है। अभी हम जिस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं एक तरीके से वो वाला माइग्रेशन भी नहीं है जो गिरमिटिया लोगों के माध्यम से हुआ, जो एक देश से दूसरे देश की तरफ हुआ, या जो अफ्रीका से अमेरिका में हुआ, या जो यूरोप से अमेरिका में हुआ। अफ्रीका से गुलाम बन के वहाँ गए, यूरोप से आप राज करने के लिए वहाँ गए, तो दो अलग अलग तरीके के माइग्रेशन हुए। हमारे यहाँ से गिरमिटिया गए, बाद में से उनमें से पॉलिटिकल सोशल लीडर भी बने। जो अभी जो जिस माइग्रेशन की बात हो रही है उत्तराखंड के संदर्भ में और यहाँ के खास यहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमी, यहाँ की इकोलॉजी को समझने के संदर्भ में, वो माइग्रेशन एक बिल्कुल भिन्न तरीके का परिदृश्य है। अगर उत्तराखंड को हम पिछले 150-200 साल की हिस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ जब आ रहे हैं सिगौली की संधि के बाद 1815 में, तो हमारे यहाँ से माइग्रेशन की कोई परंपरा नहीं, बल्कि ये हुआ कि मेडिवल टाइम्स में अलग अलग जगहों से लोग माइग्रेट करके यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के समाज को बनाया। और उससे पहले जो एथनिक माइग्रेशन हुए उसमें जो पुराने निग्रोइड्स थे, फिर उसके बाद कसाइट्स थे, फिर उसके बाद मंगोलॉइड्स थे, वह क्योंकि हम एक बॉर्डरलैंड में रहते हैं तो चारों तरफ से अलग अलग तरीके के लोग यहाँ आते रहे, सेटल होते रहे। शुरू में उनमें कन्फ्लिक्ट रही, फिर धीरे धीरे कम्प्रोमाइज़ हुआ और फिर उसके बाद एसिमिलेशन हुआ। तो इस तरीके से आज की हमारी बहुत मिलीजुली उत्तराखंड का जो सोसाइटी है उसका निर्माण हुआ। तो ये पहली बार अंग्रेज़ों के आने के बाद टूटा जब लोगों ने अपने गांव से बाहर आना शुरू किया। कुछ नए इंटरवेंशन हुए, जैसे मैंने बताया हिल स्टेशन, जैसे मैंने बताया कैंटोनमेंट्स, जैसे फिर एक बड़ी इवेंट हुई कि रिक्रूटमेंट इन द आर्मी हुई, जो एक तरीके से बिगनिंग ऑफ आउट माइग्रेशन हमारे यहाँ से थी, लेकिन वो बहुत मिनिमल थी। आज़ादी के बाद दो तरीके से पलायन हुआ। एक तो ये हुआ कि जो आप ऐसी आर्थिक स्थिति में हैं कि आपको विवश होकर बाहर जाना पड़ा, उसमें ज़्यादातर आप अनस्किल्ड बन के गए, तो भनमजुआ बने, मामूली रेस्टोरेंट्स में, होटलों में, घरों में नौकर वगैरह बने। लेकिन दूसरी ओर शिक्षा में इजाफा हुआ,
तो शिक्षा के इजाफे ने क्या हुआ, शिक्षा एक तरीके से आपको पंख दे देती है उड़ने के लिए, और अगर वो अच्छी शिक्षा है तो वो एक एडिशनल फ्यूल आपको देती है फ्लाइंग के लिए, और स्वाभाविक है कि वो आप बाहर जाते हैं और वो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी माइग्रेशन को यानी कि पलायन को कंडम किया जाता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पलायन बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है चेंज के और दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ एकोमोडेट करने के, क्योंकि दुनिया छोटी हो गई है। पलायन आपको खिलने के मौके देता है, उड़ने के मौके देता है, लेकिन पलायन की एक सीमा होनी चाहिए। उत्तराखंड के ही नामी पर्यावरणविद हैं अनूप शाह। शायद ही यहाँ का कोई इलाका हो जो इनकी निगाह से बचा होगा। कैसे देखते हैं वो पहाड़ों से हो रहे इस पलायन को? पिछले 50 सालों से मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ, और आपने सही मुद्दा उठाया जो पलायन का, जहाँ तक सवाल है उसके एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न है। उसका एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, और दूसरा नौकरी की चाहत और कमाई वगैरह, तो कई मुद्दे हैं। तो मैं जो शुरुआत करूंगा, एक तो जो ये फॉरेस्ट हैं हमारे, तो ये बहुत तेज़ी से डिटोरिएट हो रहे हैं, और दूसरा ये एसिड रेन्स वगैरह हो रहे हैं, लाइकेंस ख़त्म हो रहे हैं। उससे ये होता है कि आपका एनवायरनमेंट डिटोरिएट हो रहा है, तो खेती में आपके सॉइल वगैरह भी डिटोरिएट करती है, जिससे लोग, आपने कहते हुए सुना होगा कि आप पहले फसल बोते थे अब होती नहीं है, उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बर्ड्स, इंसेक्ट, कीड़े ज़्यादा हो गए, बीमारियां बढ़ गई, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बर्ड लाइफ, मैं अगर कहूँ जोलीकोट और ये आसपास की अगर बात करूँ, तो वहाँ पे 1/4 बर्ड पॉपुलेशन रह गई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो हमारे देखते देखते हुए जड़ी बूटियाँ कम हो रही, ये हो रही, तो कई चीज़ का रोल है, कई एंटीबायोटिक की तरह सॉइल में कई उसको रिच करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, वही बह के किसानों के खेतों में जाते हैं, अब वो पत्ते नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, और पोरोसिटी सॉइल की कम हो रही है, तो ये एक भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पलायन की मार को कितना और झेलेगा उत्तराखंड? हालांकि इसे रोकने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, पर इस सवाल का जवाब फिलहाल तो मिलता दिख नहीं रहा। पर उम्मीद की जानी चाहिए कि कष्ट के ये बादल जल्दी ही छटेंगे।